हेलो एंड वेलकम बैक टू किन्स कॉमर जोन सो so दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि जो आपको नाइन हंड्रेड एम सी क्यूज़ की पी डी दी गई है किन्स कॉमर्स जोन की ऐप पे उसके एनालिसिस वीडियोस में शुरू करूंगा तो आज मैं उसके एनालिसिस वीडियोस शुरू कर रहा हूं तो इन एम में हम जो आंसर्स हैं उनको एनालाइज़ करेंगे देखेंगे कौन सा सही कौन सा गलत है और पूरा उसको उसको डिटेल में आपको बताऊँगा कि कौन सा आंसर सही है क्यों सही है बाकी क्यों गलत है तो वो सारा मैं इसमें बताऊँगा तो ये नाइन हंड एम सी क्यूज की पी अगर जिसके पास नहीं है तो किरस कॉमर्स जोन की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें तो उसमें आपको वो नाइन हंड एम सी क्यूज की पी दिख जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा लिंक पे क्लिक करोगे तब भी आप लोग प्ले स्टोर में पहुंचोगे तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लो तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन वेरी फर्स्ट एम इज़ बुक कीपिंग मीन्स बुक कीपिंग का मतलब क्या है कीपिंग बुक्स रिकॉर्डिंग इन बुक्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन बुक कीपिंग का मतलब होता है कि जितनी भी हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना यानी रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन द बुक्स इट इज़ कॉल्ड बुक कीपिंग सो रिकॉर्डिंग इन बुक्स नहीं आएगा क्योंकि बुक्स में क्या रिकॉर्ड करना है बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सो मोस्ट अपड आंसर इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक सी इज़ द राइट आंसर चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं बुक कीपिंग मीन्स सेम ही क्वेश्चन है जरा इसके भी ऑप्शन देख लें ए रिकॉर्डिंग फाइनेशियल ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ अकाउंट बी टेकिंग ऑल स्टेप्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स सी प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स टेकिंग ऑल स्टेप आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स देखिए बुक कीपिंग का सिंपली मतलब होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ये बाकी के तीन आंसर नहीं हैं क्यूं? क्यों क्योंकि ये जितनी हैं कि आ, हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं या फिर फाइनल अकाउंट्स के बाद की चीज़ें एनालाइज करना वगैरह ये सब ये सारा अकाउंटिंग में आता है तो बुक कीपिंग में हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से फिर मेजरिंग फिर रिकॉर्डिंग फिर क्लासिफिकेशन फिर समराइजिंग फिर एनालाइजिंग और फिर कम्युनिकेशन uh, तो ये जो पहले चार हैं आइडेंटिफिकेशन मेरिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ये आते हैं बुक कीपिंग में और समराइजिंग एनालाइजिंग और कम्य कम्युनिकेट करना ये आते हैं अकाउंटिंग में सो so, बुक कीपिंग का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टार्ट अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होती है अभी मैंने इससे पहले वाले में बता दिया वेयर बुक कीपिंग बिगनस वेयर बुक कीपिंग एंडस वेयर बुक्स आर नॉट एट ऑल में फाइनल अकाउंट्स अकाउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है और बुक कीपिंग कहाँ ख़त्म होती है मैंने कहा बुक कीपिंग के लिए आइडेंटिफिकेशन मेजरिंग रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन ये सारे अंदर आते हैं बुक कीपिंग में और इसके बाद जो है समराइजिंग एनालिसिस और कम्युनिकेशन ये आते हैं किसमें अकाउंटिंग में तो अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है सो बी इज द राइट आंसर चलिए जी नेक्स्ट पे इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ अकाउंट्स में हम किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं ऑप्शनज आर ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ़ाइनेंशल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पसनल ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की हैं यानी जिसमें मनी या मनी वर्थ का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं सो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग चलिए जी नेक्स्ट पेज करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर अकाउंटिंग के करेक्ट्रिस्टिक्स में क्या क्या आएगा रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन समराइजिंग ऑल ऑफ द अबव तो ये आपने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था अभी भी मैंने इसकी बात की कि सात स्टेजेस आती हैं तो ये उन्हीं सात में से तीन स्टेजेस हैं तो अकाउंटिंग के ये करेक्ट्रिस्टिक्स हैं रिकॉर्ड करना क्लासीफाई करना समराइज करना और ऑल ऑफ द अबव अबाउ डी इज द राइट आंसर चलिए जी नेक्स्ट नेक्स्ट इज विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इसमें से कौन सी है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है ए परचेज फर्नीचर फॉर फिफ्टी थाउजेंड फॉर फॉर बिजनेस अगर बिजनेस के लिए हमने फर्नीचर खरीदा तो ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है पेड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एज सैली टू इम्प्लॉइज सैलरी एम्प्लॉयज को देते हैं अगेन बिजनेस ट्रांजेक्शन है प्रॉपर राइटर पेड टेन थाउजेंड फ्राम फॉर द स्कूल फी ऑफ हिज सन फ्राम हिज ओन बैंक अकाउंट अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है क्योंकि प्रॉप मतलब ओनर ने अपने बेटे के लिए स्कूल फ़ीस दी लेकिन कहाँ से दी अपने ही बैंक अकाउंट से तो ये एक बिज़नेस ट्रांजेक्शन नहीं है क्योंकि इसका बिज़नेस पे कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है यही दस हज़ार अगर वो बिज़नेस के अकाउंट से देता या बिज़नेस के पैसों में से देता तो ये एक बिज़नेस ट्रांजेक्शन बन जाती लेकिन क्योंकि अपने बेटे की फीस उसने अपने ही पैसों से दी तो ये बिज़नेस ट्रांजेक्शन नहीं है डी देखो सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है प्रॉपराइटर पेड टेन थाउजेंड फॉर द स्कूल फी ऑफिस एंड फ्रॉम बिजनेस देखिए अभी मैं बात कर रहा था बिजनेस से देगा तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन बनेगी तो ये जो स्कूल फीस है उसने अपने ही अपने बैंक अकाउंट से दी पर्सनल बैंक अकाउंट से दी तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है सी इज द राइट आंसर चली जी नेक्स्ट घनश्याम इज ए फर्नीचर डीलर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक्स घनश्याम एक फर्नीचर डीलर है उसकी बुक में इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगी परचेज ऑफ तिम्बर अगर तिम्बर मतलब अगर उसने लकड़ी खरीदी तो अगर फर्नीचर का बिज़नेस वो कर रहा है लकड़ी खरीदना इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस तो ये तो नहीं है ये तो रिकॉर्ड करेगा सोफा सेट वर्थ रुपीज फोर्टी थाउजेंड टेकन फ्राम होम ये भी रिकॉर्ड करेगा ये क्योंकि ये बिजनेस के लिए ड्राइंग्स हो जाएंगी तो ड्राइंग्स भी हम रिकॉर्ड करते हैं सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर फाइव थाउजेंड अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है क्यों आप ध्यान से देखो यहाँ लिखा हाउस होल्ड फर्नीचर घर का फर्नीचर उसने बेचा है तो घर का फर्नीचर बेचा है तो इस, इसका इफेक्ट बिजनेस पे नहीं आने वाला तो ये वो वो ट्रांजेक्शन है जो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा सी इज़ द राइट आंसर डी प डी भी पढ़ लेते हैं डाइनिंग टेबल ऑफ थर्टी थाउजेंड गिवन टू तो हिज फ्रेंड एज गिफ्ट गिफ्ट अब उसने डाइनिंग टेबल अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया तो ये भी किस में आएगा ड्राॅइंग्स में आएगा और ड्राॅइंग्स भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं सो सी इज़ द राइट आंसर चलिए जी नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर अकाउंटिंग के कौन कौन से फंक्शन हैं ए टू अटन प्रॉफिट और लॉस b to ascertain the financial position of the business, c to provide information to various parties, all of the above. बिल्कुल अकाउंटिंग के सारे फंक्शन हैं प्रॉफिट लॉस निकालना फिर फाइनेंशियल position दिखाना यानी बैलेंस शीट भी बनाना और उसके बाद uh, information प्रोवाइड करना जिसको हम communication कहते कम्युनिकेशन कहते हैं सो so, d इसका आंसर रहेगा of ऑफ above ये सारे ही अकाउंटिंग के फंक्शन हैं चलिए जी नेक्स्ट पर मूव करते हैं द function ऑफ अकाउंटिंग इज़ not टू इसमें से कौन सा है जो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है नॉट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस बी रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉपराइटर सी असर्टन द प्रॉफिट लॉस ऑफ बिजनेस बी अटन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है तो सीधा सीधा आपको आंसर दिख रहा है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन जो प्रॉपराइटर uh, की होती हैं वो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते सो बी इज द राइट आंसर बाकी हर तरह के ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है चलिए जी नेक्स्ट नेक्स्ट इज अभी हमने नाइन्थ किया टेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसका जो फाइनेंशियल करैक्टर की नहीं है यानी जिसमें पैसों का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट बिल्कुल ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ज़रूरी नहीं है पैसों का इनफ्लो हो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें मनी या मनी वर्थ कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो वो आपकी फाइनेंशियल करेक्टर की ट्रांजेक्शन है तो ये फाइनेंशियल करेक्टर की है परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश बिल्कुल ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन uh, है विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस बिल्कुल इसका भी बिज़नेस इफेक्ट आ रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो हो गई सिंपली आप ये समझ लो जो आपके बिजनेस के एसेट कैपिटल और लाइबिलिटीज में चेंजेस लाए याद रखना कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपके बिजनेस में एसेट्स कैपिटल लाइबिलिटीज में चेंजेस लाए वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई एसेट खरीदा तो आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे लाइबिलिटी बढ़ जाएगी ठीक है चेंजेस हो गई ना परचेज़ ऑफ एसेट फॉर कैश कैश में खरीदा एक एसेट बढ़ेगा यानी जो एसेट खरीदा वो बढ़ जाएगा कैश घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये भी बिज़नेस ट्रांजेक्शन है तो विदड्रॉंग मनी फॉर फ्रॉम बिजनेस बाय प्रॉपरेटिव फ्रॉम बिजनेस अगर प्रॉपरेटिव बिजनेस से पैसा निकालता है तो कैपिटल कम हो जाती है कैश कम हो जाता है तो इस पर भी इफेक्ट आ रहा है स्ट्राइक बाई एम्प्लॉई अगर एम्प्लॉई स्ट्राइक करेगा तो इससे ना हमारे एसेट्स में कोई चेंज आएगी ना कैपिटल में चेंज आएगी ना लाइबिलिटी में सो so, ये एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल करेक्टर की नहीं है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या है अगर आप सबको याद है तो मैंने ये करवाया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या है जस्ट ए सेकेंड जस्ट ए सेकेंड जस्ट ए सेकेंड हाँ लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस इंटरप्राइज रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन द बुक्स टू मेक समर इन इन द फॉर्म ऑफ एनेशियल स्टेटमेंट टू क्लासीफाई द ट्रांजेशन अंडर सेपरेट हेड इन द लेजर तो लास्ट स्टेप हमारा क्या था कम्युनिकेट करना मैंने आपको पहले भी बताया कि अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन से मेजरिंग रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन तो लास्ट स्टेप जो होता है वो कम्युनिकेशन फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन तो लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज चलिए जी नेक्स्ट पे इंटरनल यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर इनमें से कौन है जो अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन uh, के इंटरनल यूजर्स हैं ए पोटेंशियल इन्वेस्टर बी क्रेडिटर्स सी मैनेजमेंट और डी एम्प्लॉय इसमें से इंटरनल यूजर्स कौन हैं तो दोस्तों इसमें आते हैं मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर याद रखना कुछ बुक्स में इम्प्लॉज़ दिए इंटरनल यूजर्स एम्प्लॉइज नहीं हैं मैनेजमेंट है बाकी जितने भी हैं ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं याद रखना ये सारे क्रेडेटर्स भी एक्सटर्नल यूजर्स में आता है एम्प्लॉज भी एक्सटर्नल में आता है तो याद रखना है एक्सटर्नल यूजर्स में आएंगे चलिए जी नेक्स्ट एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर इनमें से कौन हैं जो है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स हैं रिसर्चर्स हाँ जी बिल्कुल एक्सटर्नल हैं गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल यूजर है पोटेंशियल इन्वेस्टर तो एक्सटर्नल यूजर हो गए जो बिजनेस मतलब मैनेजमेंट या ओनर को छोड़कर तो बाकी सबको हम एक्सटर्नल यूजर्स कहेंगे तो ये सारे उसी में आते हैं चलिए नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर नॉट इनमें से कौन सा है जो एक्सटर्नल यूजर्स नहीं है ऑप्शन आर लेंडर बिल्कुल जी ये एक्सटर्नल है हमें बताना है कौन सा नहीं है ऑफिसर्स इंप्लॉइज भी एक्सटर्नल है पब्लिक भी एक्सटर्नल है ठीक है तो कौन नहीं है ऑफ़िसर यानी वही मैंने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो इंटरनल यूजर्स में आते हैं चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विद अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है ऑप्शन आर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन लेजर ऑप्शन बी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल ऑप्शन सी प्रपेयरिंग ट्रायल बैलेंस ऑप्शन डी प्रपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट तो जो अकाउंटिंग साइकिल है सबसे पहली जब हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो वो होता है जनरल बनाना तो दैट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल तो अकाउंटिंग साइकिल जनरल से शुरू होती है जनरल के बाद आपको पता है लेजर्स देन ट्रायल बैलेंस चलिए नेक्स्ट क्रेक्टर ऑफ बिजनेस वांट्स वांट्स टू नो जो क्रेडर्स होते हैं बिजनेस के करेटर्स कौन होते हैं जिन्होंने बिजनेस को बिजनेस इंटरप्राइज को लोन दिया पैसा दिया हुआ या उधार में चीज़ दी हुई है तो क्या चीज़ बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं या किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट रहता है ए प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में बी कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे हायर सैलरीज बिज़नेस की कैपेबिलिटी को अपनी एम्प्लॉइज को हायर सैलरी दे या क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिज़नेस या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखिए जिन्होंने लोन दिया उनको प्रॉफिट से क्या करना ज़्यादा उनका फोकस रहता है क्रेडिट वर्दीनेस मतलब उन्होंने जो लोन दिया हुआ है वो भरोसे के है, या, वो बिजनेस इंटरप्राइज भरोसे के काबिल है या नहीं या फिर उस बिजनेस इंटरप्राइज की लोन वापस करने की क्षमता है या नहीं उस पर तो वो बिजनेस की क्रेडिट वर्दिनेस देखते हैं कि उनका जो दिया हुआ क्रेडिट है वो कितना सिक्योर है वो उनका इंटरेस्ट उसमें रहता है वो उसके बारे में जानना चाहते हैं सो सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आर अकाउंटिंग के एडवांटेज कौन कौन सी है ए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस बिल्कुल ये इसकी एडवांटेज है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजिशन बिल्कुल जी ये भी इसकी एडवांटेज है सी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एरर बिल्कुल जब हम रिकॉर्ड्स रखते हैं सारे तो हम एरर्स जो है उनको प्रिवेंट करते हैं और डी ऑल ऑफ दिस क्योंकि सारी हैं तो डी इज़ द राइट आंसर चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इसमें से कौन सी है जो अकाउंटिंग की एडवांटेज नहीं है ऑप्शनज आर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बी कंपेरेटिव स्टडी सी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट और डी हेल्पफुल डिसीजन मेकिंग देखिए जो एडवांटेज नहीं है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ये तो एडवांटेज है कंपेरेटिव स्टडी बिल्कुल जी हम अपनी इस साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल के साथ कंपेयर कर सकते हैं दोनों रिकॉर्ड होते हैं हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग बिल्कुल जी अकाउंटिंग बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्सेप्ट ये इसकी एडवांटेज नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग कन्सेप्ट जैसे फॉर uh, एग्जाम्पल मैं को एग्जाम्पल दे के समझाऊँ तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्सेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्सेप्ट आपको याद होगा कि ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो आपने फिक्स एसेट खरीदा तो जितना प्राइस आपने पे किया यानी जितनी कॉस्ट आपने पे की उस पे आपने उसको रिकॉर्ड करना फ़ॉर एग्जांपल एक लाख रुपए पे किया तो इसी पे रिकॉर्डिंग करनी है वो हर साल डेप्रिसिएशन आपको उस एक लाख पे ही लगा दी अब ज़रूरी नहीं है कि मान लो अगर पहले साल दस हज़ार की डेप्रिसिएशन हुई और उसकी वैल्यू बची नब्बे हज़ार अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो नाइन्टी थर्सेंट वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में दिख रही है वही इसका मार्केट प्राइस हो मार्केट प्राइस इससे ज़्यादा या फिर इससे कम भी हो सकता है तो क्योंकि ये अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहती है जो कि एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू है एसेट की वो नहीं दिखाता इसलिए ये इसकी एडवांटेज नहीं है सो सी इज़ द राइट आंसर चलिए जी नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इसमें से कौन सी है जो अकाउंटिंग की एडवांटेज है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट ये एडवांटेज नहीं है अभी मैंने बताया कि हम प्रोडक्ट को या फिक्स एसेट को उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं और उसी कॉस्ट पे हम फिर डेप्रिसिएशन उसी कॉस्ट पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं जो कि हमें एसेट की वैल्यू दिखाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लेकिन असल में वो वैल्यू उससे ज़्यादा या कम हो सकती है तो वो सही नहीं होती ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉमेसन ये भी इसके एडवांटेज नहीं है ओमिशन ऑफ़ क्वालिटेटिव इंफॉमेशन का मतलब हो गया क्वालिटी को इग्नोर करता है अकाउंटिंग हमेशा क्वालिटी को इग्नोर करता है फॉर एग्जाम्पल अब देखिए किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट या इम्प्लॉज़ कितने इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि ये मैनेजमेंट और इम्प्लॉयज़ ही हैं जो बिज़नेस की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी जो है वो हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्यों क्योंकि बिज़नेस में कहा गया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है तो क्वालिटी हम रिकॉर्ड नहीं करते ये इसकी एडवांटेज नहीं है आई मीन डिसएडवांटेज कह सकते हो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जी इसमें इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती इनकम्प्लीट होती है और डिटेक्शन डिटेक्शन ऑफ एरर्स कि आ, हाँ डिटेक्शन ऑफ एरर्स ये इसकी एक एडवांटेज है कि एरर्स को हम डिटेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल क्योंकि आपको पता है कि अकाउंटिंग ड्ल्टी कंसेप्ट बेस्ड है तो एक ट्रांजेक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है तो हम टेली कर सकते हैं कि दोनों जगह सेम प्राइस से रिकॉर्ड हुई है या नहीं और इसके साथ ही हमने प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए होते हैं ज, जर्नल बनती है लेजर बनती है कैशबुक बनती है ट्रायल बैलेंस बनता है देन इन सब चीज़ों से हम अगर कोई एरर भी होगा तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर वो एरर आया है तो ये इसकी एक एडवांटेज है बाकी सारी ये तीनों इसकी डिसएडवांटेज हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट हमने बता दिया कि फ़िक्स एसेट का प्राइस अब क्या है वो मैटर नहीं करता हमने जो बुक में लिखा है, हमें उसी हिसाब से चलना है क्वालिटी को इग्नोर करता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है ये सारी डिस एडवांटेज हैं एडवांटेज सिर्फ एक ही है कि एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग्स आर अकाउंटिंग की लिमिटेशन कौन कौन सी कौन सी है इसमें से जो अकाउंटिंग की लिमिटेशन है ए इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट इसमें पर्सनल जजमेंट भी होती है पर्सनल जजमेंट कैसे होगी जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कि कितने हमारे डेट्स जो हैं डाउटफुल हैं ठीक है तो ये पर्सनल डिसीजन है डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं तो वो भी एक पर्सनल जजमेंट होती है तो एक तो इन इन्फ, इन्फ्लुएंस बाई पर्सनल जजमेंट इसकी लिमिटेशन है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने बता दिया कि जिस कॉस्ट पर प्राइस फिक्स ऐसे को रिकॉर्ड करते हैं उसी कॉस्ट पे अकाउंटिंग करते हैं तो ये भी गलत है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग विंडो ड्रेसिंग होता है कि अकाउंट अपने बुक्स को मैनिपुलेट करना अपने प्रॉफिट या लॉस को कम या ज़्यादा बढ़ा के दिखाना वो भी कर सकते हैं सो आल आर दीज आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इसमें से कौन सी है जो अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन ये अकाउंटिंग कन्वेंशन पे बेस्ड है तो ये इसकी लिमिटेशन है भाई क्योंकि मैंने अभी बताया कि कॉस्ट कंसेप्ट वाला किस्सा जो आपको बताया अभी एविडेंस इन लीगल मैटर्स हाँ ये जो है ये इसकी लिमिटेशन में नहीं आता लीगल जो मैटर्स होते हैं उसमें एविडेंस होते हैं क्योंकि हम जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं आपको तो पता है वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है उसके लिए उस ट्रांजेक्शन के एविडेंस में हमारे पास कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट रहता है वॉचेस रहते हैं तो एविडेंस इन लीगल मैटर्स ये इसकी लिमिटेशन नहीं है बाकी सारी इसकी लिमिटेशन विच आर फॉलिंग नॉट लिमिटेशन कौन सी नहीं है एविडेंस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ये इसकी लिमिटेशन है मिशन ऑफ क्वालिटि क्वालिटेटिव इन्फॉमेशन ये भी इसकी लिमिटेशन है तो कौन सी लिमिटेशन नहीं है एविडेंस इन लीगल मैटर क्यों क्योंकि जितने भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसके रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स वॉचेस वगैरह होते हैं तो वो एक एविडेंस का, का काम करते हैं लीगल मैटर्स में सो बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर कौन कौन हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं ओनर बिल्कुल वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है मैनेजमेंट भी यूज़ करती है डिसीजन लेने के लिए क्रेडस भी यूज़ करते हैं अपना दिया हुआ कर्ज़ सेफ है या नहीं वो देखने के लिए सो ऑल ऑफ़ द अबव आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चलिए नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इसमें से कौन सा है जो अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है ए टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसेट एल कैपिटल ऑफ इंटरप्राइज बिल्कुल ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग काम ही ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रोपराइटर ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई प्राइवेट एसेट्स या लाइबिलिटीज ऑफ प्रोपराइटर या ओनर की प्राइवेट एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में बताना ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है सो बी इज द राइट आंसर टू मैंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स ऑफ द बिजनेस ये भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव है और टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द इंटरप्राइज ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है सो so, कौन सा नहीं है बी नेक्स्ट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज पीटेंस टू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं किसी इंटरप्राइज की उसमें जो इंफॉर्मेशन दी होती हैं वो किसकी होती है नेशन्स की होती है बिज़नेस इंटरप्राइज की होती है इंडस्ट्री एज ए होल होती है प्रॉपराइटर तो जितनी भी वफॉर्मेशन होती हैं याद रखना दोस्तों वो बिजनेस इंटरप्राइज की होती हैं उसी के अंदर इंडस्ट्री भी आ जाती है उसके अंदर ही प्रॉपराइटर आ जाता है तो एक बिज़नेस इंटरप्राइज की जो फाइनेशियल स्टेटमेंट होती हैं वही जो है आ, एक मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाई जाती है वो किसी बिजनेस इंटरप्राइज की बनाई जाती है उसी में इंडस्ट्री और प्रोपराइटर भी आ जाता है चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं नेक्स्ट इज द ब्रांचिज ऑफ अकाउंटिंग आर इसमें से कौन सी है जो अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग नन ऑफ द अबव तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग इसमें नन ऑफ द अबव नहीं है इसमें आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव सो इसको आप करेक्शन कर लो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ अब तो ये सारी ही सोशल अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं सिर्फ आप आंसर को इसका सही कर लो ऑल ऑफ इस, इसका आंसर रहेगा चलिए जी नन ऑफ लिख लो ऑल ऑफ अब चलिए जी नेक्स्ट अकाउंटिंग इज ओनली एन आर्ट ओनली ये साइंस आर्ट एंड साइंस बोथ नीदर आर्ट नॉ साइंस अकाउंटिंग दोनों है भाई आर्ट भी है और साइंस भी आर्ट क्यों है क्योंकि इसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए हर एक बंदा अकाउंटिंग नहीं कर सकता स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए कोई जो अकाउंटेंट होगा जिसने अकाउंट्स का काम किया है जिसने अकाउंट सीखा हुआ है वही कर सकता है और साइंस क्यों है क्योंकि ये कुछ प्रिंसिपल्स पे जिस तरह से साइंस कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड रहती है थी, ये भी अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपने पढ़े थे अकाउंटिंग कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स में तो ये भी कुछ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है इसलिए दोनों हैं आर्ट और साइंस दोनों ही हैं चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं इफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इट इज़ वेरीफेबल बाई डॉक्यूमेंट इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स के ऊपर है इस इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं तो ये कौन सी क्वालिटी है इसकी रेलिवेंस लाइबिलिटी अंडरस्टैंडबिलिटी कम्पेरेबिलिटी देखिए रेलिवेंस का मतलब होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन कर, प्रोवाइड करवाना जो किसी भी किसी के लिए भी फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर के लिए क्रेडर्स uh, के लिए या मैनेजमेंट के लिए रेलिवेंट हो यानी जिससे वो कोई अपना डिसीजन ले सकें दैट इज रेलिवेंट अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रजेंट करना कि कोई भी इसको ईजिली अंडरस्टैंड करे आसानी से समझ सके कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को इस साल के इफॉमेशन को पिछले साल के साथ कंपेयर करके अपनी ग्रोथ या डी ग्रोथ के बारे में जाना और किसी चीज़ की रिलायबिलिटी का पता चलती है फॉर एग्जांपल अगर अकाउंटिंग इन्फॉमेसन की बात करते हैं रिलायबल कैसे होंगी भाई तो जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉमेसन होंगी अगर उन, उनके एविडेंस में कोई उनकी स्पोर्ट में कोई एविडेंस होगा फॉर एग्जाम्पल सोर्स डॉक्यूमेंट या वोचर्स होंगे तो उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि इफ़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इट्स वेरीफेबल एंड इट इज़ वेरीफेबल बाय डॉक्यूमेंट्स उसको डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं तो उसका वो उसकी कौन सी क्वालिटी होगी दैट इज़ रिलायबिलिटी तो रिलायबिलिटी का मतलब ही यही है कि आप रिलाई कर सको और रिलाई कैसे करोगे जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उनको वेरीफाई करने के लिए आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट आपने एक टॉपिक पढ़ा था वो होना चाहिए या एविडेंस होना चाहिए तो अभी लिखा नहीं जा रहा चलिए अब समझ आइए सोर्स डॉक्यूमेंट है ये ठीक है ये, तो लाइबिलिटी उसी को कहेंगे नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल करेक्टर की है और इसको बुक्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय प्रॉपर्टर फॉर हिज पर्सनल यूज इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर सीव एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स तो इसमें ए जो है ये फाइनेंशियल करेक्टर की इन्फॉर्मेशन है अगर ऑनर या प्रोपराइटर गुड्स पर्सन ही उसके लिए ले जाता है तो हमारे एसेट्स को डिक्रीज़ करेगी और मैंने अभी आपको कहा था कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके एसेट्स कैपिटल में चेंजेस लाए वो फाइनेंशियल करेक्टर की है तो इसलिए ए इज़ द राइट आंसर इंटरव्यून द कैंडिडेट कैंडिडेट का इंटरव्यू करना ये कोई फाइनेंशियल करेक्टर की इन्फॉर्मेशन नहीं है सेल ऑफ़ हाउस होल्ड फर्नीचर ये घर का फर्नीचर बेचा तो इसको तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे रिकॉर्ड रिसवड एंड ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स तो ऑर्डर रिसीव हुआ हाँ इसकी जगह साथ में कोई पैसा भी मिल जाता तो ये फाइनेंशियल करैक्टर की इफॉर्मेशन होती है लेकिन सिर्फ ऑर्डर मिला ये भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो ये तीनों ही फाइनेंशियल करेक्टर की इनफॉमेशन नहीं है चलिए जी नेक्स्ट बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद बुक कीपिंग किसके साथ कंसर्नड है ऑप्शन आपके सामने रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा बी डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ समराइजिंग द रिकॉर्डिंग डाटा इंटरप्रिटिंग द डाटा फॉर इंटरनेशनल यूज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज बुक कीपिंग किससे कंसर्न है बुक कीपिंग मैंने पहले भी बताया फर्स्ट क्वेश्चन में ये था रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा बस इतना ही चलिए जी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग इसमें से कौन सी है जो अकाउंटिंग की सब फील्ड नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी सब फील्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग भी है बुक कीपिंग नहीं है बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ठीक बुक कीपिंग क्या है अकाउंटिंग का पार्ट है चलिए जी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलिवेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटीज टैक्सेशन अथॉरिटीज के लिए सबसे रेलिवेंट इफॉर्मेशन इसमें से कौन सी है सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन कैश बैलेंस ऑफ द फर्म बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट क्रेडिट सेल ऑफ द ईयर या प्रॉफिट जनरेटेड देखिए टैक्स जो लगता है हमें प्रॉफिट पे लगता है ना हमें कैश बैलेंस पे लगता है ना एसेट की फिक्स एसेट की बुक वैल्यू पे लगता है ना सेल्स पे लगता है तो जो हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं उस पर लगता है तो ये जो है एक रेलिवेंट इंफॉमेशन है टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के लिए चलिए जी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलिंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट्स मे बी मैनिपुलेटेड टू कंसील वाइटल फैक्ट्स कौन सी इसमें से लिमिटेशन कहती है कि अकाउंट्स को मैन्यूपलेट किया जा सकता है वाइटल फैक्ट्स कंसील करने के लिए कंसील मतलब छुपाने के लिए तो ऑप्शनज़ आर अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एक्सेप्ट एग्जैक्ट अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं होती क्यों नहीं होती मैंने बताया था कि वही कॉस्ट कंसेप्ट जो बताया था कि हम प्रोडक्ट फिक्स एसेट को जो प्राइस हमने पे किया उस पर रिकॉर्ड करते हैं असल में उसका प्राइस उससे कम या ज़्यादा हो सकता है आफ्टर डेशन अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग बिल्कुल विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अकाउंट्स को मैनुपलेट करना अपने हिसाब से दिखाना प्रॉफिट को के दिखा देना प्रॉफिट कम दिखा देना वो कैसे कर सकते हैं जो हमारे प्रोविजन होते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाना या डिप्रिसिएशन को ज़्यादा दिखा देना या कम दिखा देना तो इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग तो मतलब अकाउंटिंग में ली टू विंडो ड्रेसिंग का मतलब हो गया कि अपने प्रॉफिट को अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ा के दिखाना कैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डेप्रिसिएशन लगा कर ज़्यादा या कम लगा कर सी अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चेंज ये प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करती है यही मैंने ये कॉस्ट कंसेप्ट वाला किस्सा कि फिक्स एसेट की वैल्यू जो आपने डेप्रिसिएशन लगा उसके बाद जो बची है हो सकता है मार्केट वैल्यू उससे ज़्यादा या कम हो प्राइस लेवल चेंज हो उसमें और अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटीटिव एलिमेंट तो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हम अकाउंट्स में अपने जो फैक्ट्स हैं उनको कंसील कैसे कर सकते हैं तो सॉरी विच फॉलिंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग की कौन सी लिमिटेशन है जो ये कहती है कि आप अपने जो फैक्ट्स हैं वाइटल फैक्ट्स हैं उनको कैंसिल कर सकते हो वो है एक मे ली टू विंडो ड्रेसिंग ये विंडो ड्रेसिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट्स को मैनुपलेट करके दिखाना प्राइस लेवल चेंज ये इसकी लिमिटेशन है अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटीटिव एलिमेंट्स ये भी इसकी लिमिटेशन है अकाउंटिंग इज नॉट फुल ये भी इसकी लिमिटेशन है लेकिन किस लिमिटेशन की वजह से हम अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं वो है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग जिसमें हम अपने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो छिपा सकते हैं कैसे डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा के या कम लगा के या फिर प्रोविजन फॉर बैडर ज़्यादा लगा के या कम लगा के तो दोस्तों ये थे आज के एम सी क्यूज नेक्स्ट सेशन रहेगा आपका बेसिस बेसिक ऑफ अकाउंटिंग ये सेशन कल करेंगे हम रोज के कोशिश रहेगी बीस और तीस के बीस या पूरा एक टॉपिक खत्म हो पाए अगर छोटा है तो तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी किरन्स कॉमर्स जोन की ऐप में किरण्स कॉमर्स जोन की ऐप में और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले स्टोर से आप किरेंस कामर्स जोन टाइप करोगे तो वो आप ऐप आपको दिख जाएगी डाउनलोड करके आप तब तक ये जो एम हैं ये अपने पास रखें इन्हें प्रैक्टिस करें और फिर जब मैं करवाऊंगा आप अपने जो आंसर्स हैं मेरे साथ टैली करके देखें कहाँ आपने सही कहाँ गलत किया थैंक यू दोस्तों थैंक यू वेरी मच